सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बहाने बनाना छोड़ो, काम करो। आलस आता है तो जल्दी सोया करो। शरीर ठीक नहीं है तो एक्सरसाइज किया करो। टाइम नहीं है तो फालतू काम मत करो। नॉलेज नहीं है तो किताबें पढ़ो। पैसा नहीं है तो खर्च कम और कमाना सीखो। फन कुचलने का हुनर भी सीखिए। सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। सभी के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। दीपक गरीब के घर में जले या अमीर के घर में, हर जगह एक समान प्रकाश देता है। आज का पंचांग 6 नवंबर 2021, दिन शनिवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि, सम 7:44 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र रात्रि 11:38 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:24 से 10:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई के तिलक के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 8:10 से 9:22 तक रहेगा। दोपहर का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:19 से शाम 7:27 तक रहेगा। लाभ और अमृत के चौघड़िया रहेंगे। वृषभ राशि 6 नवंबर 2021, दिन शनिवार, अपने परिवार और दोस्तों के साथ आज कोई प्लान बनाए। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आपको शायद ध्यान देने की जरूरत है, जैसे किसी कॉन्टेस्ट या कानूनी मामलों से संबंधित। अपने जीवन साथी या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ कला या संगीत के प्रति अपना उत्साह साझा करें। आज आपके अनुशासन प्रयासों के लिए शानदार पुरस्कार मिलने वाला है। जो भी आपको प्राप्त होगा आप उसके हकदार हैं। आपका इनाम प्रसिद्धि, सार्वजनिक पहचान या प्रियजनों से मिलने वाली प्रशंसा कुछ भी हो सकता है। काम में दूसरों की राय भी अवश्य लें। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी की शिकायत कभी नहीं करता। घर में निकट संबंधियों की आवाजाही रहेगी। आज कोई रुका हुआ पैसा हासिल हो सकता है, इसीलिए प्रयासरत रहें। अपने महत्वपूर्ण काम दिन के प्रथम पक्ष में ही पूरे करने का प्रयास करें। इस समय ग्रह स्थितियां उत्तम बनी रहेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को सुकून और खुशी देगा। जिस व्यक्ति की वजह से कटु अनुभव मिले थे उस व्यक्ति से संबंध सुधार सकते हैं। फिलहाल परिस्थितियों का परीक्षण करना है, तुरंत अपनी राय या नजरिया ना बनाए। जैसे है वैसे ही रहने की कोशिश करें। काम संबंधित बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, इसलिए काम में कोई भी गलती ना करें। जब तक रिलेशनशिप संबंधित बात पक्की नहीं होती तब तक इसकी चर्चा किसी के भी साथ ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सावधानियां दोपहर बाद कोई अप्रिय समाचार या सूचना मिलने से घर में उदासी भरा माहौल रहेगा। अपने कार्यों को ध्यान से पूरा करें। जरा सी भी लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है। पैसे की उधारी बिल्कुल भी ना रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। अपने कार्यों में जीवन साथी की सलाह लेना भाग्योदय कारक रहेगा। आपकी सोच के कारण आप सहयोगियों, पड़ोसियों और अपने शिक्षकों के बीच तारीफ का पात्र बन रहे हैं। इसके साथ है अपने पार्टनर के साथ भी आपकी अच्छी ट्यूनिंग है। साथ मिलकर किसी खास की योजना बनाएं और किसी रोमांटिक सैर पर निकल जाएं, है ना शानदार। आज के दिन आपके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है, क्योंकि आज आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। आपको अपने लवर से तारीफ मिल सकती है या कुछ ऐसा जिसकी चाह आपको लंबे समय से थी। आपकी कोशिशों में
आपके प्रियजन भी सहयोग करेंगे। अपने साथी से एक ऐसा टाइट हग भी आपका पुरस्कार हो सकता है। बात करते हैं करियर की। आज आपको अपने हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। बैंकिंग पेशेवर लोगों के लिए आज का दिन हानि वाला हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। पिता या शिक्षकों पर आया संकट आपको भी प्रभावित करेगा और आपकी कोई खास यात्रा रद्द हो सकती है। जीवन में प्रयास के बाद ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। आज आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, जिससे आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। दूसरों के विचारों और बातों को अच्छे से सुने, क्योंकि बातचीत अच्छी व्यवसाय की कुंजी है। याद रखें कि ये सितारे हमारे भाग्य को तय नहीं करते, बल्कि इसे हम खुद तय करते हैं। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु अपने ब्लड प्रेशर आदि संबंधित जांच अवश्य करवाएं। थकान और कमजोरी के कारण चिड़चिड़ापन भी महसूस हो सकता है। आज का उपाय, आज आप हरी मूंग का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।